हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ करना। बहुत ही इजी और सिंपल वे में हम ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको जो भी ब्रेन है उसका रफ आउटलाइन ड्रॉ करना है। जो भी ह्यूमन ब्रेन है, इट इज़ कवर्ड बाई मैनिंग्स विच आर 3 इन नंबर, ड्यूरामेटर, आर्कनोइड एंड पायमीटर। इन तीनों को हमें 1 by 1 ड्रॉ करना है। जो भी ब्रेन है, इट इज़ इंक्लोज्ड इन ए बोनी केज, जिसको स्टूडेंट्स हम क्रेनियम बोलते हैं। जैसे ही तीनों की तीनों मैनिंग्स हमने ड्रॉ कर ली, उसके बाद कंप्लीट जो भी ब्रेन है इसका, जो भी लास्ट वाला और जो भी फ्रंट वाला पार्ट है, यानी कि जो भी फोर ब्रेन और जो भी हाइंड ब्रेन पार्ट है, इसकी फिनिशिंग हम देंगे। इसका हम जो भी आउटर जो स्केच है, जो लुक है कंप्लीट ब्रेन का, वो हम ड्रॉ करेंगे। जो भी ह्यूमन ब्रेन है स्टूडेंट्स, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो भी फोर ब्रेन है उसमें ओल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट है, सेरिब्रम विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट है, इसके अलावा डाइनोसेफेलॉन जिसमें थैलामस और हाइपोथैलामस प्रेजेंट हैं, ये सारे के सारे पार्ट टुगेदर फॉर्म द फोर ब्रेन। उसके बाद मिड ब्रेन आ जाएगा, जो कि फोर ब्रेन और जो हाइंड ब्रेन है उसको कनेक्ट करेगा। एंड हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, सेरिब्लम, पोन्स एंड मेडुला ओब्लंगटा। अब हम जो भी मिड ब्रेन है, यानी कि जो भी सेकंड जो पार्ट है ऑफ ह्यूमन ब्रेन, हम ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, राउंडेड स्ट्रक्चर करके अपने को जो भी मिड ब्रेन पार्ट है ये ड्रॉ करना है। नीचे की साइड यहां पर जो भी ऊपर अपना थैलामस पार्ट आ जाएगा, दिस वन इज द थैलामस पार्ट। जो भी पीनियल ग्लैंड यहां प्रेजेंट होंगी और साथ में यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड एसोसिएट होंगी। अब हम यहां पर हाइपोथैलामस विच इज इंक्लूडेड इंटू द फोर ब्रेन, उसको ड्रॉ करके हम इनको हाईलाइट करेंगे थोड़ा सा, एक एक जो भी पार्ट हैं, ताकि जो भी अपना डायग्राम है ये बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव दिखाई दे। जैसे ही हाइपोथैलेमस को हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद जो भी ब्रेन स्टेम है इसको हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो भी हाइंड ब्रेन है उसका जो भी सेरिब्लम पार्ट है, यानी कि जो भी सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन बट स्मॉलर देन द सेरिब्रम, ये हम ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, बहुत ही शार्प पेंसिल से। एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ ड्रॉ करनी है, जो कि है सेरिब्लम। ये जो भी बॉडी के जो वॉलेंट्री मसल्स के जो भी मूवमेंट हैं उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है ये पार्ट। कंप्लीट इसकी फिनिशिंग हम करेंगे, बहुत ही अच्छा डायग्राम। अगर आपका जो भी सेरिब्लम पार्ट है अगर आपने अच्छे से हाईलाइट कर दिया, बहुत ही फिनिशिंग के साथ कर दिया, तो बहुत ही अच्छा डायग्राम अपना यह बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम सेरिब्रम यानी कि जो भी फोर ब्रेन का जो पार्ट है उसको हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, जो कि कंप्लीट जो भी ब्रेन है इसको एक फाइनल लुक देगा। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, कभी भी डायग्राम ड्रॉ करते समय आप जल्दबाजी ना करें। अगर आपसे बिल्कुल क्लियर डायग्राम ड्रॉ नहीं हो पा रहे हैं, देन आप पहले उसका रफ स्केच ड्रॉ करिए, उसके बाद आप उसी स्केच को थोड़ा सा हाईलाइट करिए,
बहुत ही अच्छा डायग्राम आपका ड्रॉ हो जाएगा, जैसा आपको शो हो रहा है वन बाय वन। इस टाइप से आप जो भी सेरिब्रम पार्ट है इसकी फिनिशिंग आप कर दीजिए। उसके बाद में जो भी कंप्लीट ब्रेन है इसके एक एक पार्ट को आपको लेबल करना है, मैनिंग समय बतानी है, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सकल, थैलेमस, पीनियल ग्लैंड, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, यानी कि सेरिब्रम, पोन्स, मेडुला, इन सभी पार्ट को हमें इसमें लेबल करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना। सबसे पहले जैसा आपको दिखाया जा रहा है, जो भी हमें एक रफ आउटलाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद जो भी हमें किडनीज होती हैं उनकी स्ट्रक्चर, जो भी बीन शेप जो भी स्ट्रक्चर हैं, ये हमें ड्रॉ करनी है। ध्यान रखिए, आप हमेशा जो भी डायग्राम बनाते हैं वो हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करें। उसके बाद जो भी प्रोटेक्टर हैं उसके हेल्प से हम यूरेटर्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो भी हमने रफ स्केच जो ड्रॉ किया है, इसको हम थोड़ा सा इरेज करके जो भी हाईलाइट करना है उन पार्ट्स को हम डार्क करेंगे। सबसे पहले जो भी इन्फीरियर वेना कावा और जो डोर्सल ओटा है उसको हम ड्रॉ करेंगे। आप बिल्कुल हल्के हल्के धीरे धीरे प्रेशर लगाते हुए आप डायग्राम ड्रॉ करिए स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा डायग्राम आपका ड्रॉ हो जाएगा। जो भी हमारी आर्टरीज और वेन हैं इनको हमें डार्क करना है, या फिर हम बोल सकते हैं इन्हें हमें हाईलाइट करना है। दोनों की दोनों जो भी किडनीज हैं उनको हाईलाइट करना है। जो यूरेटर्स हैं इनको हमें हाईलाइट करना है, थोड़ी सी पेंसिल से डार्क करना है। उसके बाद यूरेटर्स को हम यहाँ जो भी किडनी है इनसे एमर्ज होते हैं इसको अच्छे से हम शो करेंगे। जो भी किडनीज हैं उनके ऊपर जो भी एड्रेनल ग्लैंड है ये आप भूलना मत स्टूडेंट्स ड्रॉ करना। अब हम यहाँ पर जो भी एक किडनी है, सिंगल जो किडनी है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम बताएंगे। सबसे पहले आप किडनी की रफ स्ट्रक्चर बना के उसमें डॉट लगा लीजिए, और जो भी स्केच हमने बनाया था उसको आप एक बार इरेज कर लीजिए। उसके बाद हमें अगेन फिर से हाईलाइट करना है। के बाद जो भी किडनीज हैं स्टूडेंट्स उसके जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है ये हमें ड्रॉ करनी है। इस टाइप से ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करनी है। अब जो भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स उसमें ध्यान रखना है, पहले अगर आप एक रफ स्केच रेडी कर लेते हैं उसके बाद अगर आप उन्हीं पार्ट्स को हाईलाइट करते हैं तो बहुत ही अच्छा डायग्राम आपका ड्रॉ हो जाएगा। इस टाइप से हमें कंप्लीट जो भी किडनीज हैं इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करनी है। जो भी यूरेटर्स हैं उनको हाईलाइट करना है। ये एक जो भी सिंगल किडनी है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। कभी भी डायग्राम ड्रॉ करते समय आप जल्दबाजी ना करें, हमेशा पेंसिल का यूज़ करें। अब यहाँ पर जो भी डायग्राम है उसमें जो किडनीज हैं उसमें हम सिर्फ एक किडनी में जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर जो अभी हमने ड्रॉ की थी सेम यहाँ हमें ड्रॉ करनी है ट्रायंगुलर शेप करके। अगेन हमें जो भी अंदर की जो फीलिंग है वो कंप्लीट करनी है। बहुत ही कम टाइम में स्टूडेंट्स जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो बन के रेडी हो जाएगा। जैसे ही डायग्राम ऊपर से हमारा कंप्लीट हो जाता है, हम जो भी नीचे जो भी रीनल आर्टरीज और जो वेन्स हैं इनकी जो एंडिंग है इनको हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे। जो भी आर्टरीज और वेन का जो एंड पार्ट है स्टूडेंट्स ये बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है कंप्लीट डायग्राम को। उसके बाद जो भी यूरिनरी ब्लैडर और जो यूरेथ्रा है हम उसको ड्रॉ करेंगे, और कंप्लीट जो भी डायग्राम है उसकी फिनिशिंग हम कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें इसको लेबल करना है। आप ध्यान रखिए, जो भी डायग्राम है उसकी लेबलिंग हमेशा हम एक ही साइड में करें और वो भी राइट साइड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन राहुल आर्ट्स। आज हम ह्यूमन आई का डायग्राम विद द हेल्प ऑफ बैंगल बनाना सीखेंगे। बैंगल का यूज़ करके हम बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वे में ह्यूमन आई का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक बैंगल लेनी है
उसके बाद जो भी आई का जो रफ स्केच है वो आपको ड्रॉ करना है जैसा आपको शो किया जा रहा है। अब जो भी पार्ट हैं स्टूडेंट्स, इनको हाईलाइट रखिए। उसके बाद नेक्स्ट जो भी ऑप्टिक नर्व हैं और जो भी ब्लाइंड स्पॉट हैं, ये हमें ड्रॉ करना है। जहाँ पर भी हमने गैप छोड़ा था वहाँ से आप पीछे की साइड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। नेक्स्ट हमें बल्ब्ड पोर्शन यानी कि कॉर्निया ड्रॉ करना है। थोड़ा सा आप इसको राउंडेड शेप दे दीजिए। जैसे ही हमने कॉर्निया ड्रॉ कर लिया, नेक्स्ट अब हम लेंस ड्रॉ करेंगे। आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करिए। उसके बाद आप जो भी अपर और जो लोअर एंड है इनको थोड़ा सा राउंडेड कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम इरिस ड्रॉ करेंगे। जो भी हमने लेंस ड्रॉ किया इसके साथ आप जो भी हमने आउटर लाइनिंग की थी उसको आप मैच कर दीजिए। बैंगल्स का यूज करके स्टूडेंट्स ये डायग्राम बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी वे में बनेगा। नेक्स्ट जो भी रेटिना वगैरह है अभी हम ये ड्रॉ करेंगे। जो भी लाइट है वो कॉर्निया के थ्रू एंटर करेगी इनटू द आई, उसके बाद वो लेंस के थ्रू होते हुए रेटिना तक जाएगी। रेटिना वो पार्ट है जहाँ इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमें जो कॉर्निया है या एक कवरिंग ड्रॉ करनी है। जो भी आउटर पार्ट है या जो सीलियरी मसल्स हैं हमें ये ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप जो भी इरिस हैं इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए ताकि जो दूसरे पार्ट हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करने में हमें प्रॉब्लम ना हुए। वन बाय वन फाइनली हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जो भी सीलियरी मसल्स हैं आप इनको हाईलाइट कर दीजिए। जो कॉर्निया है आप इसको हाईलाइट कर दीजिए। जो भी डायग्राम ड्रॉ करते समय स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए आपकी पेंसिल बिल्कुल शार्प हुए। सो ये बेंगल की हेल्प से हमने आई का बहुत ही इजी वे में बहुत ही कम टाइम में डायग्राम ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट अब हमें करनी है इसकी लेबलिंग। एक एक पार्ट को आप लेबल कर दीजिए, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, लेंस, इरिस, कॉर्निया, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। आप एक एक पार्ट को ड्रॉ कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।